बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कार्यक्रम में भाग लेने शुक्रवार को पाकुड़ पहुंचे और इस मौके पर बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि संथाल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, इस बात को केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है। यहाँ आदिवासियों की आबादी पहले 44% थी जो अब घटकर 28% हो गई है। इस मौके पर उन्होंने हेमंत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बैठी हुई है। पाकुड़ जिला में जब असम के मुख्यमंत्री आए थे तो क्या गांव का नाम गोपीनाथपुर जाना चाहते थे, सरकार ने जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? कारण उन्होंने इतना ही बताया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगी, यानी वहाँ स्थिति आपकी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे। तो इसे समझ में आता है गुंडा बदमाश जो लोग गड़बड़ करते हैं वो लोग मजबूत है, झारखंड में मजबूत इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन जी ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। हमारे पास कई जानकारी है साहेबगंज जैसे इलाकों में भी, जिला में भी, मंडरो तरफ में जो संथालों का जाहिर थान होता है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, उस जमीन पर कोई कब्रिस्तान बना लिया, वहाँ घर लोग बना रखे। वहाँ के गांव वालों ने पत्र लिखा है उपायुक्त को, जमीन की मापी भी होने वाली थी, प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, टाटा आ रहे हैं, और 20 तारीख से पूरे झारखंड में एक परिवर्तन यात्रा है। उस यात्रा के निमित्त सब कुछ तैयारी में हम सब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।